सरदार जी। हाँ जी दसो। दसो मतलब बोलो। हाँ एक चाय देना। हेलो जी, और चाय शाय बेचनी होती भाई तो बोर्ड लिखने की क्या जरूरत थी? और नेक लोगों के लिए चाय शाय नहीं हमारे पास, तो समझदार लोग होंगे ना वो चाय का मतलब जानते हैं। सरदार जी वही चाहिए, चवन्नी। अच्छा चुकी है, तीसरे कदम की तलाश है। ओए जरा बच के। और एक चवानी सरदार जी। हाँ जी मालिक होने आया। हेलो जी, हेलो जी। अरे सरदार जी आप तो सबकी खबर रखते हैं। मोहल्ले के रखवाले आप? ओ की करा भाई, असी तो जबान नाल तंदूर गरम करते हैं और जबान से ही बर्तन में गोश्त चलाते हैं। ओए साडा तो सारा काम ही जबान से होता है। और जहां तक अरे शर्मा जी, ओ शर्मा जी सत श्री अकाल जी। ओए सत श्री अकाल सरदार जी। ओए 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 सत श्री अकाल शर्मा जी, चलता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री के सचिव को समय दिया है। शर्मा जी, ये हाल है सरदार जी। और चाय लीजिएगा? अरे नहीं जी, रहने दीजिए, आपकी चाय है। ओ नहीं नहीं असली चाय दी, घर कर रहा हूँ भाई, क्या बात कर रहे हो। तो फिर ठीक है। और दो चाय पा दे। चला गया। क्या बात है शर्मा जी, तीसरी बार देख रहा हूँ आपको उसके साथ। और आप उसके खादी लिबास से मत जाइएगा, गांधी जी को फुट कर में बेचता है, बहुत पुराना खिलाड़ी है जी, जरा बच के रहिएगा। क्या बात करते हैं सरदार जी, बेचारा बड़ा सीधा साधा सज्जन आदमी है। अच्छा है? सीधा साधा सज्जन और सीधी गाय चड्डी चबाती है। शर्मा जी अभी आपका उसकी बदतमीजी से पाला नहीं पड़ा है, और मैं तो कहता हूँ जरा बच के रहिएगा। गर्मी तो जान लेकर ही गरीब। कैसे हैं आप? मुझसे मत पूछिए मेरा हाल। ये अखबार पढ़ते हैं आप? बेरोजगार युवक आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैं पूछता हूं कि क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। वही तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कर रहे हैं आप? अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने से देश की भुखमरी खत्म नहीं होगी, उसके लिए चाहिए कोई ठोस योजना। है कोई योजना आपके पास? इसीलिए चुनकर भेजा है जनता ने आपको यहां पर। मैं तो कहता हूं कि नमक हराम है यहां। देखिए देश बहुत बड़ा है, लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, संसाधन कम है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी। संसाधन संसाधन, सड़कें बनवाना चाहते हैं, पुल बनवाना चाहते हैं, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, मुंबई को क्या कहते हैं शंघाई बनाना चाहते हैं, सब कुछ है इसमें। ये देखिए देखिए, अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। अरे हाँ, एक कप चाय बनाना जरा बढ़िया, अदरक वाली, और चीनी जरा कम। देखिए ऐसे और अच्छी तरह से समझिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ नोट छापिए। मान लीजिए कि आपने सिर्फ एक 10 रुपए का नोट छापा, उस 10 रुपए से एक मजदूर ने चीनी खरीदी, चीनी वाले ने दूध, दूध वाले ने अंडा, अंडे वाले ने कपड़ा। इस तरह से अगर वो नोट 20 लोगों के पास पहुंचा तो उसने 200 रुपए का काम किया।
इसी तरह अगर आपने एक दिन में 10 करोड़ रुपए का नोट छापे तो उसने 200 करोड़ का काम किया। सोचिए, एक दिन में 200 करोड़ जोड़िए महीने में कितना हुआ, जोड़िए साल में कितना हुआ, और सरकार के पास इसका कितना टैक्स आया जोड़िए। आप बस नोट छापना बंद मत कीजिए, आप तो बस छापते जाइए, छापते जाइए, छापते जाइए, छापते जाइए, रुकिए मत। दिमाग तो है नहीं और वित्त मंत्री बनते हैं आप। अरे आप तो मुझे इस तरह डांट रहे हैं जैसे मैं ही वित्त मंत्री हूँ। आपने पिछली बार मुझसे कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट के कारण हमें बहुत फायदा हो रहा है, मैं पूछता हूँ कि, और फिर वो मुझे ट्रांसपोर्ट मंत्री समझकर डांटने लगा। पहले तो मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में मैं समझ गया कि उसे बदतमीजी करने का अधिकार इसलिए हासिल है क्योंकि वो अपने काम से कभी नहीं आता, हमेशा देश के काम से आता है। समझ रहे हैं ना आप? और जो देश का काम करता है उसे तो बदतमीजी करने का हक। देश सेवा थोड़ी बदतमीजी के बिना शोभा भी नहीं देती, और अगर उसमें थोड़ी सी बेवकूफी मिली हो तो चमक और आ जाती है। क्या शर्मा जी, आजकल वो चिंगम कितने जो आपके साथ हमेशा चिपका रहता है? कौन? अरे कौन क्या, वही अपना पुराना खिलाड़ी। वो है कहाँ, आजकल दिखाई नहीं दे रहा। अरे शर्मा जी, बहुत बड़े काम में लगा हुआ है। बड़ा काम? कैसा काम? ओहो, तफसील में मत जाइए, बम बना रहा है और कहता है कि सरकार के सर पे दे मारूंगा। बम बना रहा है? हाँ, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना चुका है जो सरकार के ऊपर ही दे मारेगा। पता है क्या कहता है कि नथिंग विल चेंज अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बात तो सही कह रहा है ना, संविधान बदलना ही पड़ेगा कहता है। इस देश को बुनियादी क्रांति चाहिए और बुनियादी क्रांति के लिए क्रांतिकारी संविधान चाहिए। दुनिया पलट देगा बादशाह। ले लीजिए, दो चीकू पड़े हैं वो भी ले लीजिए। जी चीकू को छोड़िए शर्मा जी, आप तो ये देखिए। ये क्या है? प्रधानमंत्री जी के साथ मेरा फोटो, उन्हें संविधान सौंपते हुए, और ये रही संविधान की कॉपी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि उसे जल्दी लागू कर देंगे, लेकिन मेरा सरकार पर भरोसा नहीं है। ये सरकार झूठ पर टिकी है शर्मा जी। प्रधानमंत्री जी ने कह तो दिया है लेकिन उन्होंने अभी तक इस बात की सूचना संसद के पास नहीं भेजी। अजीब अंधेर है, लेकिन मैं भी चुपचाप बैठने वालों में नहीं हूं। अच्छा, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक महीना तक इंतजार करेंगे, और अगर फिर भी लागू नहीं हुआ तो आमरण अनशन करेंगे। मैं क्या प्राजी, आजकल वो फोटो तेज जिंदा है। अगर यही फोटो वो किसी सही काम से लगाए ना, वो तो बहुत कमाई कर सकता है जी। बस शर्मा जी, मैं तो इतना ही कहूं कि वो पुराना खिलाड़ी है, वो तुसी जरा बच के रहना। मुझे बचने के लिए कहते हैं सरदार जी, लेकिन आप भी तो ऐसे नाश्ता कराते हैं, रोटियां खिलाते हैं। की करा भाई, इंसान है, इंसान का इंसान के प्रति कुछ फर्ज बनता है ना। तो और ऊपर से उसकी वेफ दबी हुई भी है, और आपको मालूम है उसने एक ऐसा कमाल का काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसा कौन सा कमाल का काम है भाई? एक मिनट जी, रोटी खत्म हो गई, होने लाता हूँ। हाँ जी, अरे काम तो बताता हूँ अभी। उसने अपनी वैफ द बीवी को ये मनवा लिया है कि वो इस देश की किस्मत संवारने के लिए पैदा हुआ है। और मामूली काम तो वो कर ही नहीं सकता ना, बड़े काम करेगा। और यही बात को लेकर उसकी वैफ भी वाहेगुरु से प्रार्थना करती है कि उसका आदमी का ये मिशन पूरा हो। लेकिन आजकल तो वो संसद के सामने दरी डालकर अनशन पर बैठा है। ओ इसीलिए तो कहता हूँ बादशाह, ओ बिजली मंडरा रही है, वो देखते हैं किसके सार विच गिरती है।
बिजली मंडरा रही है क्या मतलब? मतलब ये कि जब किसी के कार विच घुसना होता है ना एंट्री एंट्री तो वो आमरण अनशन कर बैठता है, इसीलिए आपसे भी कह रहा हूँ पुराना खिलाड़ी है जरा बच के रहना। क्या हो गया भाई? प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है, 7 दिन से अनशन में कुछ नहीं खाया, कमजोरी बहुत लग रही है, तुम उस कमरे में रहने का जमा लो। मैं फौरन कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, जल्दी। अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये लोग अंदर क्यों? देख तो रहे ना आप मेरी हालत, ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगा मैं। क्या हुआ? जरा 2 किलो मौसम्बी मंगवा दीजिए, कमजोरी बहुत लग रही है। ये ले मौसम्बी लेके आ, बहुत कमजोर हो गया। साहब पैसे इसे भी दे दीजिए। तू भी ले। अनशन पर था, धमकियां मिल रही थी, घर जाने के लिए पैसे मिल रहे थे, लेकिन मैं भी अपने अनशन पर आ रहा हूँ, कमजोरी बहुत लग रही है, थोड़ी देर आराम करूंगा। भाभी भाभी सुनिए, क्या इसे संभाली? चलिए आइए। क्या मुसीबत है, ये तो मेरे घर में ऐसे घुस के आ गया जैसे इसका अपना ही घर, वो भी मेरे बेडरूम। अरे सुनिए सुनिए, ये मेरा बेडरूम है, आप लोग उस वाले कमरे में जाइए, समझ गए आप? मेरी तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मुझसे वो इस तरह मौसमी मंगाता है, इस तरह मौसमी मंगाता है जैसे मैं उसका नौकर हूं, और उसने मुझे पैसे दिए और मैं मौसमी मंगा भी दी। मेरे नौकर को इस तरह पुकारता है, हुक्म देता है कि शक्कर ले आओ, चाय ले आओ। अरे मेरे ही घर में उसने मुझे अजनबी बना दिया है, उसकी हालत जरा ठीक हो तो मैं तो उसे निकाल बाहर करूंगा। ना जी, ओ शर्मा जी, अब नहीं निकलता वो, अब तो वो अपना पूरा वक्त द टाइम लेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सरदार जी एक बात कहूं, ये इतनी सारी जगह है आपके पास तो अगर आप उसे कुछ दिन के लिए यहाँ रहने दें तो मेरी जान बचेगी, मेरा पीछा छुड़ाइए। वाह शर्मा जी वाह, वो आपकी जान बचेगी, मेरी जान फंसेगी? नहीं नहीं, ओ, ना ना ना, वो अकेला नहीं है, उसके साथ औरत भी है भाई। और देखिए अगर वो अकेला होता तो मैं कहता कोई बात नहीं, छड़ यार इत्थे रह जा, लेकिन औरत, औरत के डर से तो मैं भाग कर पंजाब से इत्थे आया हूँ और आप फिर मेरे ऊपर औरत लाद रहे हो शर्मा जी, ओ ना भाई ना। साहब 100 रुपये दे दीजिए। क्यों? वो अपने मेहमान साहब की बीवी जी ने सूजी का हलवा बनाने के लिए कहा है। कोई जरूरत नहीं, मुस्कुरा क्यों रहा था तू, कोई और काम नहीं है तुझे? रामदीन मालिक से कह दो कि डॉक्टर साहब ने कहा है। डॉक्टर साहब ने, चल सुन ले 100 रुपये, आज तक मैंने सूजी का हलवा खाया नहीं, बरसों हो गए तो ये सूजी का हलवा खाएंगे। अरे साड़ी मतलब बेडरूम से हॉल तक आ गए, अरे भाभी जी आपकी ये साड़ी है, अब मेरी किताबों को हाथ क्यों लगा रही? उन्होंने कहा कि बाहर रख दो, अब बार बार बेडरूम में आ जाते हैं ना, अब ना आपको तकलीफ होगी ना हमें। अरे सुन सुनिए, क्या है? आपके वो कहाँ है, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। आज शायद मिलना ना हो पाए, थोड़े बिजी है। वो बिजी है? बिजी है, बिजी है, मेरा घर, मेरा कमरा, मेरी किताबें, वो बिजी है और मैं फालतू। शर्मा जी, प्रधानमंत्री अब जरा गंभीर हुए हैं। अच्छा, जल्दी एक कमेटी बैठने वाली है, ये 25 रुपए दीजिए ना, रिक्शे से जाने के लिए भी पैसा नहीं है। ये कुत्ता तो मेरे जैसा लग रहा है, आप ही का है। देखिए भाई साहब, आप 25 नहीं 50 रखिए हैं। देखिए अब आपकी तबीयत ठीक हो चुकी है, आप कहीं और चले जाइए, मुझे यहाँ बहुत तकलीफ है। हाँ शर्मा जी, प्रधानमंत्री का PA मकान का इंतजाम कर रहा है, होते ही चला जाऊंगा, और वैसे भी मुझे भी यहाँ बहुत तकलीफ है। मैं तकलीफ है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है,
मेरे घर में रहता है, मेरा ही खाता है और कहता है कि मुझे इस घर में तकलीफ होती। अरे अरे अरे, नहीं, मैं तो तंग आ गया हूँ इससे सरदार जी। ओ शर्मा जी, आप क्या, उस अजीबो गरीब इंसान से कोई भी तंग आ जाएगा। हाँ, और मुझे भी पता नहीं क्या हो गया, कभी कभी खींच आती है मुझे अपने आप। बताइए, अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गया हूं और वो मालिक बनकर ठाट से रह रहा। आप जानते हैं, रोज सुबह उठकर वो हवा खोरी के लिए जाता, मेरे ही बाथरूम में घुसकर आधे घंटे तक ना आता है और फिर पूजा करके आराम से फाइल उठा के निकल जाता है। अरे कल तो उसने मेरी कमीज तक पहन ली ना। अब देखना, 6 महीने तक पहनता रहेगा और बाकी के 6 महीने पटलून पहनना शुरू कर देगा। क्या बात कर रहे हैं सरदार जी। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं उसे और नहीं सह सकता, मैं तो उसे निकाल कर ही रहूंगा। वो ऐसे कैसे निकाल कर रहेंगे, वो कार बीच घुस गया है, अब नहीं निकलने वाला। अरे कैसे नहीं निकलने वाला, मैं आज से उस पर सख्ती करना शुरू कर दूंगा। रोज सुबह शाम उसे डांटूंगा, ताने कसूंगा, अपमान करूंगा, देखता हूँ कैसे नहीं निकलता है। क्या बे साहब, आपकी दोस्त की बीवी के साथ बाजार गया था। अच्छा। उन्होंने कहा टीवी भाड़े पे ले चलो, उन्होंने बहुत दिनों से सिनेमा नहीं देखा है ना। अच्छा, सिनेमा नहीं देखा, कहाँ है वो? वो तो कहा तुम लेके चलो, मैं बस अभी आती हूँ। अबे वो नहीं, उनके वो तो सर अंदर ही है। कह रहे थे मुझे डिस्टर्ब मत करना, कुछ हिसाब किताब की बातें कर रहे थे। डिस्टर्ब मत करना। हाँ। तू जा, इसे वापस कर क्या, बगैर वापस की लौटियो मत, चल जा। इसका हिसाब किताब तो मैं आज करता हूँ। कहाँ ये? ओहो, तो नया संविधान लिखा जा रहा है। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम, तुम्हें कुछ लाज आया है कि नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते? ये क्या, आज मेरा मौन व्रत? ओहो, तो आपका मौन व्रत है। अभी फोन करता हूँ पुलिस को, तुम्हारे सामान के साथ साथ तुम्हें भी फेंक दे। अरे अरे शर्मा जी नाराज क्यों होते हैं? कहाँ गया तुम्हारा मौन व्रत? अरे बाप का घर समझ रखा है? नहीं। यहाँ तो कर्जा खाया है? अरे नहीं। अरे तो चल बाहर। तुम्हारे जैसा बेशरम मैंने जीवन में नहीं देखा, तुम यहाँ से अभी निकल जाओ। शर्मा जी, मैं अपमान का बुरा नहीं मानता, और वैसे भी मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। अच्छा। और जिस महान मिशन में मैं लगा हुआ हूँ, उसमें ऐसे छोटे मोटे अपमानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अच्छा। आप इतने पढ़े लिखे आदमी होकर भी नहीं समझ पाते, जिस दिन इनका संविधान लागू हो गया, आपको गर्व होगा कि इनके जैसा महान आदमी आपके घर में रहता था। नहीं जरूरत मुझे ऐसे गर्व की। बहुत मस्त आएंगे आप। उठो उठो उठो, जाओ अपना सामान पैक करो, फौरन निकल जाओ। ठीक है शर्मा जी, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो थोड़ा सब्र रखिए और जरा 500 रुपए दीजिए। 500 रुपए किस बात के? अजी रहने के लिए मकान देखने जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? अरे रिक्शे से जाऊंगा, किराए भाड़े में खर्च होगा, जगह जगह घूमना पड़ेगा, रिक्शे के लिए पैसा नहीं है मेरे। अरे मेरे पास भी पैसे नहीं है। तो ठीक है, मैं नहीं जाता। अरे यही रुक जाता। मेरे भाई, तुम्हें 500 रुपए चाहिए? 500 रुपए भैया, और जल्दी से कोई मकान अपने लिए ढूंढ लो, मेरा पीछे छोड़ दो भाई, जल्दी। कहाँ रह गए थे आप? ओ, तो अब आपको हिसाब भी देना होगा। जी नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। अब देखिए ना, आपने राशन भी बंद करवा दिया, नौकर की भी छुट्टी करा दी, और वो दुकान वाला भी मुझे उधार नहीं देता। मैंने धर्मशाला नहीं खोल रखी है, यहाँ सदाव्रत नहीं बटता। क्यों नाराज होते हैं शर्मा जी? अब तो मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ, लेकिन आपकी याद मुझे हमेशा आएगी। मैं भी आपको 20 जन्म तक नहीं भूल पाऊंगा। अब क्या करें, हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, इसीलिए तो मैं आपको 1 महीने में छोड़ रहा हूँ, नहीं तो किसी के घर मैंने 6 महीने से पहले नहीं छोड़ा। एक तरह से देखा जाए तो ये आप पर एहसान है मेरा। बड़ी कृपा आपकी। हाँ। जरा 2500 रुपए दीजिए। 2500 रुपए? हाँ, 2500 में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये रुपए मैं क्यों दूँ? अजी बाहर जा रहा हूँ, कुली को पैसे देने होंगे, 3-4 दिन का राशन पानी का इंतजाम करना होगा, और भी दीगर खर्च होंगे। अब शर्मा जी, 2500 रुपए में होता क्या है आजकल? देखिए मेरे पास रुपए नहीं है। तो ठीक है, तो मैं भी आज नहीं जाता। देख, जब आपके पास 2500 रुपए हो जाएं, तब बता दीजिएगा, मैं
मैं तब चला जाऊंगा। ठीक ठीक है, मैं रुपयों का बंदोबस्त करता हूँ, आप जाने की तैयारी कीजिए। अजी सुनती हो, चलने की तैयारी करो। जी ये आपके पैसे। बुरा मत मानिएगा शर्मा जी, मैं जिस मिशन में लगा हुआ हूँ उसमें ऐसी स्थितियां आती ही रहती हैं, मैं बिल्कुल फील नहीं करता। फिर मिलेंगे। गए कितने में गए? 2500 रुपए में। अच्छा जी 2500। हो शर्मा जी लाख लाख बधाई है। ओए जप्पी ले लो जप्पी। वैसे इसका पुराना रिकॉर्ड कहता है कि 5000 से कम मिल ही जाता। अच्छा हाँ, मैं तो आपको पहले ही कहता था पुराना खिलाड़ी है, जरा बच के रहना। अजी बच गए।